अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFXMentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं कुछ नया लेकर आया हूँ, मतलब वाकई बहुत ज्यादा नया। और क्या नया लाया हूँ? इलस्ट्रेटर CC 2018। बहुत एक स्नीक सा प्रीव्यू आप लोगों को देना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द आप लोगों को बताऊं कि इसमें क्या कुछ नया आया है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ नया आया है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोज देखने को मिले, राइट? तो आइए देखते हैं कि क्या नया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे एक सबसे एक्साइटिंग सी चीज ये लगी कि अब इलस्ट्रेटर की फाइल्स के आइकन कुछ डिफरेंट हो गए हैं। देखें, ये बड़ा मजेदार सा कुछ सिम कार्ड जैसा कुछ या एसडी कार्ड जैसे जो शेप होता है वो हो गया है। एंड आई लव दीज यार, बहुत क्यूट से लग रहे हैं आइकन्स। सो इलस्ट्रेटर जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो चेंज आया है हमारी स्प्लैश स्क्रीन का चेंज आया है और काफी कलरफुल सी है। वैसे तो बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस स्प्लैश स्क्रीन अच्छी है। सो जैसे ही हमारा ये इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो जाता है, हम यहाँ पर जाते हैं क्रिएट न्यू पे और लेट्स क्रिएट लेटर साइज में ले रहा हूं। सो जैसे ही हमारा इलस्ट्रेटर स्टार्ट होता है, हमारे पास यहाँ पर एक सबसे बड़ा सा चेंज ये आया है कि ऊपर से प्रॉपर्टी पैनल या प्रॉपर्टी बार हट गया है और यहाँ पर आ गया है प्रॉपर्टी पैनल। एंड इस प्रॉपर्टी पैनल में आपको बहुत सारे फीचर्स हैंडी बहुत हाथ में मिल रही हैं। बहरहाल, ये वो सारी चीजें हैं जो कि पहले भी ऊपर प्रॉपर्टी बार पे होती थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ राइट साइड पर है तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई हैं, जैसे यहाँ पर जैसे रूलर अगर आपने ऑन करनी है या आपको ग्रिड शो करनी है या आपको ट्रांसपेरेंसी ग्रिड शो करनी है। सो यस, दीज आर समथिंग वेरी नाइस फीचर्स कि हम यहीं से डायरेक्टली इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास गाइड्स हैं तो उसको भी लॉक या अनलॉक आप यहीं से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है? वरना पहले ये होता था कि राइट क्लिक करके हम करते थे, बट देन यस, ये है एक फीचर बड़ा मजेदार सा है। सो प्रॉपर्टी पैनल में आपके पास कुछ मजेदार से जो काम है वो ये है कि एक तो यहाँ पर आपके पास ये यूनिट्स आप यहीं से चेंज कर सकते हैं कि लाइक आपको किस मेजरमेंट यूनिट में रखना है। उसके अलावा जो कुछ और फीचर्स हैं, खैर ये डॉक्यूमेंट सेटअप और प्रेफरेंसेस पहले ऊपर होते थे, अब यहाँ पर है। एनीवेज, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसके अब जो प्रॉपर्टीज ऊपर दिखती थी वो भी अब यहीं पर दिख रही हैं। एंड देखें, जो आप चीज बना रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। सो यस, आपके पास ये अपीयरेंस में यानी फिल एंड स्ट्रोक यहीं पे सब कुछ मिल रहा है। यहीं से आप अपना स्ट्रोक का साइज या सब कुछ कम या ज्यादा कर सकते हैं, विच इज वेरी एफिशिएंट। ओपेसिटी यहीं पर दे दी है, पहले ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जाना पड़ता था। ऑफसेट पाथ यहाँ पे दे दिया है, मतलब अब हमें ऑफसेट करने के लिए ऑब्जेक्ट के मेन्यू में नहीं जाना पड़ेगा, विच इज सो कूल। प्लस अगर आपको इसको सेंड टू बैक करना है तो यस, देखिए मैं ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इसको अरेंज करना है तो यहीं से अरेंज भी आपको दे दिया है। सो यस, कुछ चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं, बहुत मजेदार सी हो गई हैं। प्रॉपर्टी पैनल पे अगर आप आके देखेंगे तो आपको हर टूल पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज मिलेगी। प्लस देखें, पहले ये होता था कि हम चीजों को सेलेक्ट करके और फिर अलाइन के पैनल में जाते थे। सो अलाइन वगैरह सब यहीं पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा, खैर अलाइन तो पहले भी ऊपर मिल रहा होता था लेकिन समटाइम्स कभी कभी वो गायब हो जाता था फॉर सम रीजन। अगर आपको मजीद फीचर्स देखने तो ये जो तीन डॉट्स, ये मोर वाला आइकन जो होता है, इसके अंदर आप आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स और मिल जाएंगे। प्लस और मजेदार सी बात यह है कि आपके पास पाथ फाइंडर भी अब यहीं पर बैठा हुआ है। सो यस, पाथ फाइंडर के अंदर आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा, विच इज सो स्मार्ट। सो स्मार्ट मतलब मजा आ गया है कि वर्क फ्लो हमारा बहुत फास्ट हो जाएगा इसकी वजह से। सो यस, प्रॉपर्टी पैनल को देख करके मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे अपना वर्क फ्लो बहुत ज्यादा स्पीड अप होता हुआ दिख रहा है। एंड आई होप आप लोगों को भी इसको यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो नेक्स्ट चीज, आप लोगों को एक और चीज बताऊं कि आपका जो पुराना अगर आपको इंटरफेस चाहिए तो वो अब यहाँ पर देखें, पहले भी यहाँ पर ये एसेंशियल्स वगैरह ये सारे वर्क स्पेसेस होते थे। अगर आपको पुराना वाला अपना वर्क स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से एसेंशियल्स क्लासिक पे जा सकते हैं एंड आपको ये सब कुछ पुराना वाला मिल जाएगा। लेकिन यार, आई स्टिल लव दिस, ये नया एसेंशियल्स बहुत प्यारा है। इंटरफेस की तमाम तर चीजों के साथ हमारे पास एक नई चीज आई है एंड दैट इज पपेट वार्प टूल। नाउ पपेट वार्प टूल के लिए मैं फाइल ओपन कर रहा हूं एंड
यस दिस ये फाइल मैंने बेसिकली एक वेबसाइट से डाउनलोड की है जो कि फ्री था. आई मीन क्रिएटिव कॉमन्स जीरो लाइसेंस था तो I can use it freely. That's it. So yes, अगर मैं इसको select करूं और यहां से Puppet Warp Tool ले लूं. अच्छा Puppet Warp के बारे में एक और मैं बात बता दूं. बहुत सारे लोगों ने already देखा हुआ है Photoshop में already का कई अरसे से यहां पर मौजूद है Photoshop में. After Effects में है मौजूद. After Effects में इसके through animations की जाती हैं. But then Illustrator में अभी recently add हुआ है. और इसका काम क्या है कि हम देखेंगे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ आपको एक मैश टाइप की चीज दिख रही है राइट. और हम ये पॉइंट्स लगाते हैं. खैर मैं आपको अगर एक बार बताऊं कि अगर मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट लगाया है और मैं अगर इस पॉइंट को पकड़ के मूव करूं तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा जो कि काइंड ऑफ यूजलेस. ऑब्वियसली हम एक नहीं लगाते हैं, हमें इसको यहां से रोकना है. सो अब अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा मूव करूंगा तो ये देख रहे हैं आपका इसका हैंड मूव हो रहा है लेकिन साथ ही साथ इसकी पूरी बॉडी मूव हो रही है. तो यस हमें इनको रोकने के लिए ये एक तरह से बोन स्ट्रक्चर हम बना रहे होते हैं. एंड सी मैं कुछ और पिंस यहां पर लगाता जा रहा हूं एंड एक हेड पर भी लगा देते हैं. सो अब अगर मैं इस हाथ को मूव करूंगा तो यस जबरदस्त. या अगर मैं इस पैर को मूव करूंगा तो ये जबरदस्त. ओ हो. नाउ इसमें एक और छोटा सा फीचर मैं आपको बताऊं कि अगर आप गौर से देखें कि इन पिन के साथ अगर मैं बिल्कुल पिन पर जाता हूं तो मेरे कर्सर पे एक छोटी सी पिन बनी हुई आ रही होती है लेकिन अगर थोड़ा सा अगर बाहर देखें ये एक सर्कल सा बना हुआ है. इसके थ्रू आप इन पिन्स को रोटेट कर सकते हैं विच इज वेरी नाइस. सही है ना. ये जरूरी नहीं है कि आप किसी कैरेक्टर पर ही इसको अप्लाई करें. सो देखिए मैंने सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया है और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी अपना इस पपेट वार्प टूल से कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें कर सकते हैं. और वो ये है कि अगर मैंने यूं घुमाना चाहा तो यस इट इज पॉसिबल. एंड इवन अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है. सो मुझे इसको देख करके बहुत मजेदार से आइडियाज ये आ रहे हैं कि अगर हम इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करें तो कितना मजे का होगा. सो मैं अभी करके नहीं दिखा रहा हूं. मैं उम्मीद करूंगा आप लोग खुद इसको जरा ट्राई करेंगे. सो पपेट वार्प टूल के इलावा हमारे पास एक और बड़ा मजेदार सा फीचर ये आया है कि हमारे पास अब आर्ट बोर्ड के कुछ बहुत ही मजेदार से फीचर्स मौजूद हैं. मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूं और कई मरतबा मेरे साथ ये होता था कि मैं आर्ट बोर्ड टूल लेकर के डिफरेंट डिफरेंट साइज के आर्ट बोर्ड्स बना रहा होता था राइट. एंड इस तरह से ये आर्ट बोर्ड्स बनाने में एक छोटा सा मसला ये होता है लाइक इवन अगर आप इसको कॉपी भी कर रहे हैं अगर आपने आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं रख दिए चाहिए और ये बड़ा अनटाइडी सा लग रहा होता था. अब एक बड़ा मजेदार सा फीचर ये कि आप आर्टबोर्ड टूल से मल्टीपल आर्टबोर्ड्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं. यू हैव टू प्रेस शिफ्ट. शिफ्ट दबा के अगर आप क्लिक करेंगे एक इंडिविजुअली सब पे या अगर आप बाहर क्लिक कर दें और शिफ्ट दबा के दोबारा सबको यूं ड्रैग करके सेलेक्ट करें तो ये सारे आर्टबोर्ड्स एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं. गेस व्हाट, हम अलाइन कर सकते हैं, हम इनके बीच की स्पेसेस को एडजस्ट कर सकते हैं विच इज अनदर ग्रेट फीचर. आप इसको बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हैं. सर ये एक और आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि रीअरेंज ऑल. जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका लेआउट आप बता सकते हैं कि जी कितने आपको दो रोज या दो कॉलम्स चाहिए जो भी. आप यहां से दोबारा आप जैसा चाहें अपने आर्टबोर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हैं विच इज सो अमेजिंग. अगेन मैंने जैसे कहा कि यार ये जो अपडेट आया है 2018 का इसमें हमारा वर्क फ्लो बहुत ऑर्गेनाइज हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम इंडिविजुअली आर्टबोर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आर्टबोर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स से इस वक्त मेरा कोई आर्टबोर्ड सेलेक्टेड नहीं है, मैंने सिंपली आर्टबोर्ड टूल से बाहर क्लिक कर दिया. मैंने एक को क्लिक किया, शिफ्ट दबा के दूसरे को किया, तीसरे को किया और यहां से आके मैंने डिलीट कर दिया. सो अब मेरे पास एक ही सिंगल आर्टबोर्ड मौजूद है. अब इस आर्टबोर्ड के साथ मैं एक छोटी सी चीज बताऊं जो कि मैं हमेशा से फेस करता था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी मुझे, वो ये कि अगर मैंने किसी आर्टबोर्ड पर कोई बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली बैकग्राउंड कलर तो नहीं होता, हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं बैकग्राउंड में और मैं यूजली बैकग्राउंड को कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि वो हिलता जुलता रहे. तो वॉट वी यूज टू डू कि हम इसको लॉक कर देते थे. नाउ लेट्स से मैंने इसको लॉक कर दिया है और इसके ऊपर सपोज मैंने कोई आर्टवर्क बनाया हुआ है एंड लेट्स सेलेक्ट सम अदर कलर. ठीक है जी. सो मैंने ये एक आर्टवर्क बनाया हुआ है जो कि अनलॉक्ड है और मेरा बैकग्राउंड लॉक्ड है. पहले ये होता था कि जब हम आर्टबोर्ड की कॉपी लेते थे तो हमारा लॉक्ड ऑब्जेक्ट नहीं आता था. अब हमारा लॉक्ड ऑब्जेक्ट भी कॉपी हो जाता है विच इज अनदर ग्रेट फीचर. सो
नेक्स्ट जो हमारे पास एक फीचर है वो है वेरिएबल फॉन्ट्स। नाउ वेरिएबल फॉन्ट्स क्या होते हैं मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ सपोज यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लूँ पहले तो ठीक है जी। अब इसका फॉन्ट मैं यहां से आकर के देखें, ये आपके पास फॉन्ट फैमिलीज आ रही है और प्लस कुछ फॉन्ट्स ऐसे हैं जिनके आगे यहाँ पे एक छोटा सा बी ए आर लिखा हुआ हो रहा है वेरिएबल। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो गौर से देखें, ये आपका वी ए आर लिखा हुआ है और इनफैक्ट इनके नाम में भी वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, राइट। सो यस, लेट्स से मैं ये मिनियन या एक्यूमन वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका फायदा क्या है, जरा कंट्रोल टी करें। कंट्रोल टी से आपको सबको याद होगा कि कैरेक्टर पैनल आता है और यहां पर जो वेरिएबल फॉन्ट होगा उसके साथ ये एक, ये गौर से देखें, मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये एक बटन आ रहा होगा आपके स्टाइल्स के सामने। इसका काम क्या है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आपके पास डिफरेंट वेट्स इस फॉन्ट के अवेलेबल है जो कि आप इजीली यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहां साइड में कर लूं, अब देखें आप, मैं वेट चेंज कर रहा हूं और बड़ा स्मूथली चेंज हो रहा है। और ये याद रखिएगा कि ये ऐसे ही बोल्ड नहीं कर रहा, ये वैसे आपके पास तमाम तर स्टाइल्स यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब आप ये देख लें कि कंडेंस्ड भी कितने सारे इसके अवेलेबल है, ठीक है। सो यस, आप चाहें तो यहाँ इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। सो वहां से अगर आपको इसमें ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करने में यूजुअली एक बड़ी मुसीबत होती थी कि यार हम एक एक करके देखते जा रहे हैं बहुत टाइम लगता था, तो अब ये आपके वेरिएबल फॉन्ट्स ने ये मसला हल कर दिया कि लाइक मुझे वेट इतना रखना है और इसकी विड्थ इतनी रखनी है या कंडेंस्ड रखना है या मुझे इसको स्लैंटेड करना है। सो यस, वी कैन डू ऑल ऑफ दीज विद जस्ट दीज स्लाइडर्स एंड बहुत हेल्पफुल है। एंड आई होप कि अब फ्यूचर में हमारे पास और भी बहुत सारे ओपन टाइप वेरिएबल फॉन्ट्स आना शुरू हो जाएंगे जिससे हमें फॉन्ट्स या टाइपोग्राफी में काफी ज्यादा और आसानी पैदा होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट एक जो चीज है वो मैंने एक्चुअली हमारी अपनी ट्रेनिंग में भी मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन लेट्स जस्ट, आई मीन दिस इज अ गुड टाइम कि मैं अब उस बात को भी डिस्कस कर लूं। लेट्स से मेरे पास कुछ डिफरेंट आइकॉन्स है, मैं अभी डेफिनेटली आइकॉन्स नहीं बना रहा हूँ। And let's say ये कुछ different सी shapes बना रहा हूँ, ठीक है। And yeah, now अब इन सब को मैं अज्यूम करें कि ये मेरे कुछ डिफरेंट आइकन्स हैं जो कि मेरी वेबसाइट पे या मेरी मोबाइल ऐप पर हैं और मुझे इनको इंडिविजुअली अलग अलग PNG फॉर्मेट में सेव करना है, राइट। सो यस, ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कि ये मैंने पहले भी नहीं बताया था कि एसेट एक्सपोर्ट आपके पास एक पैनल दिया हुआ है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो अब नई चीज आई है 2018 में, पहले हम इसको जब एक साथ ड्रैग करते थे तो ये एक ऑब्जेक्ट अज्यूम करता था और उसकी एक फाइल बनती थी, लेकिन अगर मैं इन सबको एक साथ अब यहाँ पे ड्रॉप करता हूं तो ये देखें, ये इसने सबको अलहदा अलहदा से अपने पास यहाँ पर बना दिया है। सो देखें, एक और चीज के यहाँ से आप अपना फॉर्मेट बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। लेट्स गो फॉर लाइक PNG एंड मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स मेक अ न्यू फोल्डर और टेस्ट आइकॉन्स Select, that's it. So, जल्दी से यहाँ डेस्कटॉप पर आकर देखते हैं, ये रहा हमारे पास एक 1x का और ये रहे सारे हमारे assets. Okay, so ये थे कुछ नए फीचर्स जो कि Illustrator CC 2018 में आए हैं और मेरा इन सब फीचर्स में से जो सबसे फेवरेट फीचर है वो प्रॉपर्टी पैनल वेन आर है। कसम से बहुत मजेदार सा, बेस्ट पार्ट, पाथफाइंडर भी सामने, अलाइन भी सामने, सब कुछ सामने, इजीली मिल रहा है। एंड प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या फेवरेट फीचर है इसमें से, और अगर ये रिव्यू आप लोगों को छोटा सा पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और प्लीज शेयर करें इस वीडियो को ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी पता चले कि कुछ नया आया है, राइट। थैंक यू।